हे गाइस, वेलकम टू यूट्यूब इंस्टीट्यूट। आज हम इस वीडियो में बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23। तो चलिए बनाते हैं। 22 एंड 23 पे बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इसमें पुट करना। देखिए यहाँ पे बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ योर स्टार टेनिस क्लब फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बॉल। प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग को निकालना है। देखिए यहाँ पे स्टॉक दिया हुआ है टेनिस बॉल का, ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंड परचेज एंड सेल। ओपनिंग स्टॉक प्लस होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है, एंड परचेज भी प्लस होता है एंड सेल माइनस होता है। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो चलिए बस इसमें पुट करना है और कुछ करना नहीं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेंगे, फिर हम लोग एक्सपेंडिचर की तरफ लिखेंगे टू परचेज ऑफ बॉल 4000 में लिया गया। फिर ओपनिंग स्टॉक आपको पता होगा ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, प्लस होता है, तो हम लोग प्लस करेंगे 400। तो 4400 आएगा। फिर हम लोग यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे 900, तो हम लोग का आंसर आएगा 3500। यहाँ पे लिखेंगे 3000, या बाहर लिखते हैं कैलकुलेशन करके 3500। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम लोग को लिखना है परचेज हुआ इतना में सेल कहाँ लिखाता है, इनकम के साइड लिखाता है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सेल ऑफ बॉल कितना का है, 3700 दिया हुआ है, 3700। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3700, और फिर हम लोग बैलेंस फिगर करेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, क्रेडिट बढ़ा है कि डेबिट, या क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट कम है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन सेल, तो 3700 3500 माइनस करेंगे तो 200 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग का 200 रुपये से प्रॉफिट हुआ है सेल के, इसमें बॉल को ख़रीदने में। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 देखिए बहुत ईजी था, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 बनाते हैं, वो भी बहुत ईजी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट दिखाना है, वैल्यू ऑफ बुक फर्नीचर पहले दिया है, द बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर जो कि 60000 रुपये इसका दाम है, उसमें से हाफ फर्नीचर जो है वो बेच दिया गया से कितना 25000 रुपये में। कब बेचा गया, 31 मार्च 2015 को। फिर उसका जो है रेट ऑफ डिप्रिशिएशन 10% पर एनम, 10% के हिसाब से उसका रेट लगाया गया। तो यहाँ पे हम लोग का डिप्रिशिएशन निकलेगा और फर्नीचर को हाफ दाम में बेचा गया। तो चलिए पहले बनाते हैं हम लोग ओपनिंग क्लोजिंग एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखिए पहले हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट में डाले, ओपनिंग बैलेंस शीट में हम लोग का जाएगा फर्नीचर का अमाउंट, क्योंकि फर्नीचर कितना का था, 60000 का था। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे फर्नीचर एक एसेट्स है, आप ही जानते हैं, यहाँ 60000 हुआ। फिर हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर में का सॉल्यूशन करेंगे, तो एक्सपेंडिचर के साइड क्योंकि लॉस और प्रॉफिट होता था, हम लोग इस साइड लिखते हैं। तो यहाँ पे लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, सेल करने में फर्नीचर में हम लोग का लॉस हो रहा है, वही के लिए हम लोग यहाँ पे ये लिखेंगे। देखिए 27000 का था और उसको बेचा कितना मिलाया, 25000 में, तो 2000 का लॉस हुआ। और फिर हम लोग यहाँ पे डेप्रिशिएशन चार्ज करेंगे, क्योंकि डेप्रिशिएशन एक्सपेंडिचर साइड ही दिखाता है, ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मैं बता दे रही हूँ। डेप्रिशिएशन यहाँ पे या फिर जब ज़्यादा रहा तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड दिखाता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का डेप्रिशिएशन हो गया, तो डेप्रिशिएशन निकालना पड़ेगा, 10% बोला था ऑफ किसका, 60000 का। तो हम इसके निकालेंगे तो आएगा 6000 डेप्रिशिएशन निकल गया, और हम लोग का यहाँ पे लॉस हुआ था तो वो हम लोग भी दिखा दिया। अब ये डेप्रिशिएशन का समय बताए थे क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट से तय होता है। तो देखिए पहले हम लोग लिखेंगे फर्नीचर, फर्नीचर का डबल अकाउंटिंग होता है। देखिए वहाँ पहले 60000 का हुआ, फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 60000 में डेप्रिशिएशन, ये शॉर्ट फॉर्म है, वो माइनस होता है क्योंकि डेप्रिशिएशन में 6000 रुपये निकाले, वो ये माइनस होगा यहाँ पे 54000। फिर इसमें हम लोग सोल्ड, हम लोग जो बेचे वो आएगा 27000।
तो ये क्वेश्चन नंबर 23 देखिए बहुत ही इजी था और यहाँ पे इजीली कंप्लीट हो गया क्योंकि सब कुछ दिया रहता है, बस इसमें पुट करना है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 24 से लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है।